हेलो नमस्कार साथियों, देखिए आज मुख्य रूप से एलजेब्रा में मतलब इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार करते हैं। देखिए मुख्य रूप से यहाँ से कुछ स्टार्ट हुई संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 लगातार इस संख्या जैसे 10 तक आ जाए तो इसका जो डायरेक्ट योग कैसे करते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, हम सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, देखिए क्या करते हैं, लास्ट वाली टर्म को देखना है, लास्ट वाली टर्म को देखना है और हमें क्या करना है, लास्ट वाली टर्म को आधा करना, लास्ट वाली टर्म को आधा करना। 10 का आधा कितना हुआ, 5 आधा हुआ, तो हमें क्या करना है, इसका पूरा योग टोटल ज्ञात करना है। हमारे पास में संख्या आ गई 5, हमारे पास में संख्या आ गई 5, 5 वापिस संख्या लिख दो, ये हमारा योग हो गया, ये हमारा योग हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से हमारे पास में जिस प्रकार से अब 100 तक योग आया, 100 तक योग आया तो 100 तक योग कैसे करते हैं, देखिए इसका क्या करना है, आधा करना, इसका क्या करना है, आधा करना। आधा करने पर 50 आता है तो हमारे पास में वही संख्या लिख देनी, 50 का 50 लिख देना, ये हमारा टोटल योग हो गया। देखिए इसी प्रकार से हमारे पास में ये संख्या आ गई, यानी कि 1 से लगाकर 1000 तक संख्या आ गई, तो इस संख्या का योग कैसे करते हैं। देखिए 1 से 1000 तक आ गई तो हमें क्या करना है, सबसे पीछे वाली यानी कि सबसे पीछे वाली संख्या 1000 है, 1000 का कितना करेंगे, आधा, 1000 का आधा कितना होता है, 500 होता है। तो हमारे पास में इस संख्या 1 से लगाकर 1000 तक संख्या का योग कितना आ जाएगा, 500 एक बार आ गया, 500 एक बार और लिख दो, 500 एक बार और लिख दो, यह हमारे पास में इस टोटल संख्या का योग आ गया। इसी प्रकार हम इसका भी ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।